बहन मायावती आ रही हैं, पार्लियामेंट में आ रही हैं, प्रधानमंत्री बनकर आ रही हैं, और कुदरत ने ऐसा इंतजाम किया है जैसे दिल्ली में झाड़ू वालों को सरकार में भेज दिया ताकि बहन मायावती के रास्ते को झाड़ू लगा करके साफ कर सकें। ऐसे न्यूज में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ वो शख्सियत हैं जिनको सुनने के लिए, देखने के लिए लाखों और हजारों की तादाद में लोग इकट्ठे होते हैं, शांति स्वरूप बाजी। शांति स्वरूप जी, पहले तो आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। शांति स्वरूप जी, एक बात बताइए, आप बहुजन समाज को रिप्रेजेंट करते हैं, कई मंचों पर आपको देखने में आता है कि बसपा की बात करते हैं, बहन कुमारी मायावती की बात करते हैं, बहन को बहुत हृदय पे ऐसे आप बोलते हैं कि ये हमारी बहन जी हैं जो कार्य कर रही हैं, बहन जी हैं। लेकिन जो गठबंधन की सरकार चल रही है, उत्तर प्रदेश हो चाहे राजस्थान हो चाहे MP हो चाहे हरियाणा हो चाहे बिहार हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, सभी जगह के गठबंधन को किस नजरिए से देखते हैं और किस नजरिए से बहुजन समाज के लोग बोलते हैं कि बहन जी बनेंगी देश की प्रधानमंत्री, उसके ऊपर नजर डालिए। वैसे तो सुरेंद्र जी, जी सर, मैं मूलतः जी गैर राजनीतिक आदमी हूँ जी, धार्मिक और सामाजिक और साहित्यिक आंदोलन से जुड़ा हूँ जी, पर क्योंकि मैं एक वोटर भी हूँ, बाबा साहब ने मुझे वोटर बनने का अधिकार दिया है, इसलिए हम बात कर सकते हैं जी। बात ये कर सकते हैं कि वर्तमान समय में जो ये युग है, ये BJP से त्रस्त युग है जी। कोई भी जमाने में, किसी भी जमाने में ये भारतवर्ष की जनता किसी से इतनी त्रस्त नहीं हुई जितनी आज त्रस्त है जी। और वो लोग जब सत्ता में आते हैं तो हमेशा आदमी के सामने क्या होता है कि भाई मैं अगले बार भी सत्ता में आऊं तो इसलिए वो कल्याणकारी काम करता है जी, भले के काम करता है जी, ऐसे काम करता है जिससे कि लोगों का दिल जीता जा सके जी। मगर यहाँ हो क्या रहा है, इस सरकार से त्रस्त क्यों है? इस सरकार से त्रस्त इसलिए है कि कांवड़ ले जाने के लिए तो हमें हिंदू बना दिया जाता है, मुसलमानों को पिटवाने के लिए हमें हिंदू बना दिया जाता है, और हिंदू हमें एक तरफ हिंदू बना दिया गया और दूसरी तरफ गौ माता के नाम पर हमें पीटा जाता है, आरक्षण के नाम पर हमें ठगा जाता है। तो ये क्या, ये दुरंगी चाल जो चल रही है इस समय, कोई भी सत्यवादी व्यक्ति, कोई भी न्यायवादी व्यक्ति चुप रह नहीं सकता, और जो चुप हैं या तो बिके हुए हैं या उनके घुटने टिके हुए हैं, ये सीधी सी बात है। आज हम देख रहे हैं अपने समाज को, घर घर में जो पार्टियां बन रही है ना, मेरा उनसे एक कहना है कि भाई एक इस बुजुर्ग आदमी की सलाह मान लो। सलाह यह है कि उत्तर प्रदेश में जो गठबंधन बना है उसे मैं लाल और नीले रंग का समन्वय मानता हूं। नीला रंग क्या है? मेरे धम्म ध्वज का, पंचशील झंडे का पहला रंग। और लाल रंग क्या है? उस धम्म ध्वज के बीच का रंग। ये दोनों जो रंग हैं, एक किनारे का और एक बीच का, तुम उधर से घेरो मैं इधर से घेरो तो बात बनेगी बनेगी। आज उत्तर प्रदेश में जितने भी भाई छोटे छोटे दल हैं या नए दल बने हैं या बना रहे हैं, वो कम से कम उत्तर प्रदेश से बाहर चले जाए जी। वो बड़े अदब के साथ कह रहा हूं, उसके पीछे मेरा व्यक्तिगत कोई लाभ नहीं है जी। लाभ ये है कि इस देश में एक वोट से व्यक्ति जीतता है, एक वोट से व्यक्ति हारता है जी। तो उत्तर प्रदेश में जो ये गठबंधन बना है, ये बहुत ऐतिहासिक घटना है जी। अभी हमने देखा पिछले दिनों जब मायावती जी का और मुलायम सिंह जी का मनमुटाव हुआ था और उसके पीछे जो एक अग्निकांड हुआ था, इस देश में जितने भी कांड होते हैं ना, वो जिसके नाम से हो रहे होते हैं उसको भी पता नहीं कि ये कैसे हो रहा है, और पीछे से जो शातिर लोग हैं, जो RSS से जुड़े हुए लोग हैं, जो आज के शासक लोग हैं, पीछे से उन्हीं का वो सारा का सारा करा धराया होता है जी। हमारे देश में एक बहुत बड़ी समझदारी का परिचय दिया है हमारे भाई अखिलेश ने और हमारी लाडली बहना मायावती ने, कि उन्होंने पिछले गिले शिकवे मिटा करके इस नई चुनौती के साथ लड़ने का, संग संग चलकर लड़ने का जो संकल्प लिया है, ये मेरे जैसे व्यक्ति के लिए बहुत उत्साहवर्धक घटना है। देश का ये एक प्रयोग सफल उत्तर प्रदेश में कर दो और फिर देखना कि इस देश का जो दरिद्र है और इस देश का जो पिछड़ा वर्ग है,
ओबीसी वर्ग है वो इस प्रयोग को इस देश की सारे के सारे राज्यों में दोहराएगा। अपनी शक्ति को पहचानो, अपने दल बनाकर प्रशंसा बटोरने के लिए, थोड़े दिन पोस्टरों में छाने के लिए, ये जो नए नए दल बन रहे हैं, जैसे पहले नए नए संगठन बन रहे थे, उससे संगठन टूटा, आज ये जो नए नए संगठन बन रहे हैं ना भैया, कम से कम उत्तर प्रदेश में अभी रुक जाओ, उत्तर प्रदेश में फिलहाल रुक जाओ, एक तो ये इलेक्शन पार्लियामेंट का और एक असेंबली का इलेक्शन, बाद में फिर कुछ भी करते रहना, फिर हम ही तुमको कहेंगे आओ हम तुम्हारे साथ लग करके ये सारा काम करते हैं। आज भारत वर्ष को अन्याय मुक्त होने का माहौल बन रहा है, जनता जब स्वयं निर्णय ले चुकी है कि हम ऐसे शासक के साथ रहना नहीं चाहते, इसलिए उन्होंने इनको 5 राज्यों में धूल चटाई है। अब ये उत्तर प्रदेश में तैयार हो रहा है, मेरे दृष्टि में तो हो गया है, बशर्ते दलित अपने मसीहा को याद रखें, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर और माननीय कांशीराम को, और जो सोशलिस्ट हैं, जो बैकवर्ड हैं, जो शूद्र हैं, जो ओबीसी हैं, वो अपने मसीहा को याद करें। किसे? राम मनोहर लोहिया जी को। राम मनोहर लोहिया जी ने बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर में इस देश का भविष्य देखा था, और उन्होंने अपने बाबा साहब के जीवन के अंतिम दिनों में उन्होंने बाबा साहब के साथ मिलकर के देश में सत्ता स्थापित करने की एक प्लानिंग की थी। वो सारे सूत्र किताबों में, पत्रों पर, डॉक्यूमेंट्स में बाकायदा उपलब्ध हैं। इन दोनों महापुरुषों की जो संतानें हैं, जो उनके अनुयायी हैं, वो अपने महापुरुषों की भावनाओं के अनुरूप कुछ करके दिखाएं। इस उत्तर प्रदेश को नीले रंग से और लाल रंग से सराबोर कर दें, और जो इन दोनों के बीच में आकर के फसाद कराने का काम करता है, ताकि वो इस प्रदेश को ही नहीं, इस देश को छोड़कर भागने का इंतजाम करे। साथियों याद रखना, बड़े बड़े भ्रम फैलाए जाते हैं, लाल रंग को साम्यवादियों से जोड़ दिया जाता है, रंग का अपना एक सैद्धांतिक या दार्शनिक अर्थ होता है, मगर वो अर्थ सब जगह लागू नहीं होता है। मेरे कई भाई हैं या मेरे से क्या कहते हैं, अरे ये बाबा साहब का जो ऐसा हाथ है ना ऊपर को, ये मत छापा करो तुम। मैं तुम्हें क्या परेशानी हुई? कहने का इसका मतलब ये बाबा साहब कह रहे हैं ईश्वर को मानो, अल्लाह को, खुदा को, भगवान को मानो। हमने कहा जब बाबा साहब खुद नहीं मानते, भगवान ईश्वर को नहीं मानते, तो वो क्यों कहेंगे ऐसे करो? तो फिर क्या कह रहे हैं, तो मैं सुन लो वो क्या कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये जो आसमान मुझे बहुत प्रिय है, वो प्रिय क्यों है कि ये संसार के प्रत्येक प्राणी को, आदमी को नहीं, औरत को नहीं, प्रत्येक प्राणी, चाहे वो चिड़िया है, चाहे वो चौपाया है, चाहे वो दोपाया है, चाहे वो श्री सर्प है, रंगने वाला जानवर है, चाहे वो कीड़े मकोड़े हैं, सबको बराबर छाया देता है। समानता का प्रतीक है ये आकाश, और आकाश का रंग नीला है। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने राजनीतिक दर्शन का, अपने राजनीतिक आइडियोलॉजी का रंग नीला अगर रखा है, तो वो इसलिए रखा है कि ये समानता का प्रतीक है। तो साथियों, बाबा साहब जब ये हाथ ऊपर करके कहते हैं, तो वो इस आकाश की तरफ इशारा कर रहे हैं। आकाश का रंग नीला है, जैसे आकाश सबको समानता की नजर से देखता है, ऐसे ही मेरी जो आइडियोलॉजी है वो हर एक व्यक्ति के लिए है, एक वर्ग, एक जाति, एक समुदाय, एक पंथ के लिए नहीं है। तो साथियों, उत्तर प्रदेश में जो अब संग्राम होने वाला है, और उसमें निश्चित रूप से हमारी विजय होने वाली है, और विजय तो जनता दिलाएगी। जनता अपने अटल संकल्प के साथ, जो अपने बहुजन मसीहा हुए हैं, उनको अपने सामने रख के उनके अरमानों को पूरा करने के लिए, उनकी आइडियोलॉजी को ना केवल उत्तर प्रदेश में, सारे भारत में, सारी दुनिया में उसको लोहा मनवाने के लिए, अब जो गलती हुई सो हुई, अब कोई गलती नहीं होनी चाहिए, और लामबंद होकर के सारे इस गठबंधन के साथ जुड़ जाओ। अब किसी गलती की गुंजाइश है नहीं, हमने पहले बहुत गलतियां की और हमने भुगता, मगर अब गलती करने का समय नहीं है, अब संगठित होने का समय है, अपने शक्ति प्रदर्शन का समय है, अपने पराक्रम का, अब बाबा साहब के द्वारा दिया गया वोट, उसकी शक्ति का सदुपयोग करने का समय है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पूरा आशावान हूं कि जनता, इस बाबा साहब की जनता, इस देश की बहुजन जनता, इस देश की वंचित जनता, इस देश की सर्वहारा जनता, इस देश की मजदूर और निर्धन जनता, अपने
समय आने पर अपने कर्तव्य से झुकेगी नहीं, विमुख नहीं होगी, और विमुख हो गई तो भैया फिर अब हमेशा हमेशा के लिए समझ लेना कि कभी कोई आपके लिए मुक्ति का द्वार खोलने वाला कोई आएगा नहीं, ये तुम्हारा भविष्य सारा पहुंच के रख देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको मेरा जय भीम। बात बताइए, आपने बड़ी शांति प्रिय से लोगों को अपील भी कर दी और नीले और लाल रंग को दोनों को मिला भी दिया है, लेकिन अगर हम लोग परसेंटेज की बात करें तो बहन कुमारी मायावती प्रधानमंत्री के रूप में कितनी परसेंटेज तक वो काम? देखो ऐसा होता है भाई, 101% तो होता है झूठा जी, 99% भी झूठा जी, मगर 100% से बड़ा सत्य कोई नहीं है जी। बहन मायावती आ रही हैं, पार्लियामेंट में आ रही हैं, प्रधानमंत्री बनकर आ रही हैं, और कुदरत ने ऐसा इंतजाम किया है इसे दिल्ली में झाड़ू वालों को सरकार में भेज दिया ताकि बहन मायावती के रास्ते को झाड़ू लगा करके साफ कर सकें, तो इसमें कोई शक नहीं है। बहन जी आप 10,000 और 10 लाख का लगा लो अंतर, बहन जी पर 10 लाख लगा दो, बहन जी आएगी आएगी, उसको अब कोई रोकने वाला नहीं है। मोदी बहन जी के मुकाबले कहीं नहीं है, मोदी की राजनीति अब विपरीत राजनीति चल रही है, प्रतिक्रिया की राजनीति चल रही है, इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। एक बबुआ कह रहे हैं ना जिसको, ये बबुआ है तुम्हारा बबुआ बचाएगा, और ये जो बुआ है ना, अरे ये बुआ बहुत बड़ी गलती करोगे अगर इसको छुआ, अब तक जो हुआ उसका हमें गम नहीं, मगर अब हमें उत्तर प्रदेश में शासक बन के दिखाना है भाई, इसमें कोई तनिक भी गुंजाइश नहीं है। बहन मायावती प्रधानमंत्री बनेंगी, अवश्य बनेंगी, और मैं उन्हें बधाई देने जाऊंगा, मुझे पूरा यकीन है अपने जीवन में और 2019 में, क्योंकि बहन जी के 19 MLA आए थे तो मैंने तभी कह दिया था 19 MLA इसलिए आए हैं 19 में ये प्रधानमंत्री बनेंगे, और वो समय अब आ गया। किसी भी व्यक्ति से पूछो, आप जन सर्वे करके देखो, ये जो टेलीविजन के सर्वे आते हैं मेरी समझ में तो ये नहीं आया, मैं हजारों सर्वे की रिपोर्ट सुन चुका हूँ, मेरे तक कोई नहीं आया कभी रिपोर्ट लेने, ये घर में बैठ के रिपोर्ट बनाते हैं और अपना प्रचार करते हैं। ये दुनिया का सबसे ज्यादा बेईमान मीडिया भारत का मीडिया, दुनिया का सबसे बड़ा बिकाऊ मीडिया भारत का मीडिया, दुनिया का सबसे ज्यादा बेवफा मीडिया भारत का मीडिया, ये तो थोड़ी बहुत लोकतंत्र की लाज बचा रखी तो सोशल मीडिया ने बचा रखी, आप जैसे टेलीविजन चैनलों ने बना रखी है, नहीं तो मोदी ने तो सारा का सारी विश्वसनीयता इस देश की समाप्त कर दी है। जब वो गंगा नदी में डुबकी लगाता है तो सारी दुनिया हंसती है कि प्रधानमंत्री का यह हालत देश को कहां ले जाएगा, ये विज्ञान की तरफ नहीं ले जा रहा, ये अंधे ज्ञान की तरफ ले जा रहा है, अंधविश्वास की तरफ ले जा रहा है। अगर इस देश को विज्ञान की प्रगति के रास्ते पर ले जाना है, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के आइडियोलॉजी के हिसाब से साइंटिफिक ग्रोथ के रास्ते पर दौड़ाना है, तो आप उत्तर प्रदेश की गठबंधन को सफल बनाओ और बाकी सब चीज भूल जाओ। धन्यवाद, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद।